मैं हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के सामने। हजारों गज के जमीन के ऊपर बना यह निवास, जिस पर दिल्ली सरकार करोड़ों रुपया प्रतिमा रख रखाव पर भी खर्च करती है, इसकी सुरक्षा पर भी खर्च करती है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान दिल्ली की जनता तड़पती रही और अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि वो लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। एक आने की इसने वैक्सीन नहीं खरीद। इसके बाद अब जब दिल्ली के अंदर लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं और दिल्ली के लोगों को एक लीटर पानी लेने के लिए कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है, ऐसे समय में दिल्ली का मुखिया, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, वो अपने घर में सरकारी पैसे से करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से, ये देखिए, करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से अंदर निर्माण करा रहा है। पता नहीं स्विमिंग पूल बनवा रहा है या फिर वाटर पार्क बनवा रहा है। घर के अंदर फ्री होम डिलीवरी के लिए इसके बच्चों के लिए शराब आनी तो शुरू हो ही गई है, ऊपर से अब घर के अंदर स्विमिंग पूल बनेगा, लोग पानी के लिए थड़पेंगे और अरविंद केजरीवाल के बच्चे पानी के अंदर स्विमिंग पूल में नहाएंगे। ये हालात है दिल्ली के। कोई इसके बारे में पूछ नहीं सकता, कोई इसके बारे में बात कर नहीं सकता, क्योंकि मीडिया के मुंह पे चांदी का जूता मारता है और मीडिया चुप हो जाता है, सवाल कर नहीं सकता है। ऐसे हालात के अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दिल्ली और देश की जनता क्यों ना पूछे कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना तुमको किसने अधिकार किसने दिया। ये सरकारी पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सरकारी पैसा दिल्ली की जनता का है और दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा इस प्रकार से तुम्हारी अय्याशी के लिए उड़ने नहीं देंगे। केजरीवाल को जवाब देना होगा, मीडिया दिखाए या ना दिखाए। लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बात को लेकर के पूछिए, ये भगवान श्री राम के मंदिर पर सवाल उठाते हैं, उसको बनने देने से रोकने की बात करते हैं और दूसरी ओर अपने लिए आरामगाह और ऐशगाह बनाते हैं, वो भी सरकारी पैसे से। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल, मैं तुमको एक्सपोज करता रहूंगा